आज ही पवन सिंह का इस साल का दूसरा भक्ति गाना रिलीज होता है और मात्र 10 घंटे के अंदर पवन के दूसरे भक्ति गाने पर 1 मिलियन व्यूज आ जाता है यानी गाने को आए हुए मात्र 10 घंटे हुए रहते हैं और 10 घंटे के अंदर पवन सिंह के दूसरे भक्ति गाने को कम से कम 10 लाख लोग देखते हैं और तो और पवन का इस साल का दूसरा भक्ति गाना इतना शानदार इतना कमाल का गाना है कि इस गाने पर लगातार व्यूज बढ़ता जा रहा है और देखते ही देखते ही ये गाना यूट्यूब पर मेन सेक्शन में पांचवें नंबर पर ट्रेंड भी करने लगता है और अभी भी ट्रेंड कर रहा है मतलब जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं इस वक्त पवन सिंह का दूसरा भक्ति गाना जो आज ही सुबह सुबह वेब म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है वो गाना यूट्यूब के मेन सेक्शन में पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है बाकी बात की जाए इस गाने पर आए लाइक्स की तो 10 घंटे के अंदर पवन के इस गाने को 10 एक लाख लोग ने लाइक किया है अब जिस गाने ने 10 घंटे के अंदर मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया हो नंबर और यही पवन वाकई भक्ति है, उनके आवाज में, उनकी में वो है कि कोई सैड सॉन्ग गा दे तो कलेजा निकाल कर रख देते हैं बाकी आज के इस वीडियो में हम पवन के दूसरे भक्ति गाने के बारे में बातचीत करेंगे और उस गाने का रिव्यू करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम है पांडे मेरे साथी कैमरा मैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन पवन का आज सुबह सुबह इस साल का जो दूसरा भक्ति गीत आया है उस गाने को लेकर पवन सिंह ने अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी थी वो अलग बात है कि प्रयांशु सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर इस गाने का पोस्टर शेयर किया था इसके अलावा वेब म्यूजिक कंपनी के वेब म्यूजिक कंपनी ने पवन सिंह के साथ पवन सिंह को कॉलेब करके इंस्टाग्राम पर इस गाने का पोस्टर शेयर किया था जिसकी वजह से ही वो पोस्टर पवन के सोशल मीडिया पर भी देख रहा था बाकी आप उस पोस्टर को हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पोस्टर में आपको मा दूगा की एक चित्र के साथ दाहिनी साइड पवन सिंह हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे होंगे और पोस्टर पर लिखा है दुलरी मयरिया और इस पोस्टर के बाएं साइड नीचे में लिखा है कि इस गाने को सोलह तारीख को सुबह सुबह छह बजे रिलीज किया जाएगा और सुबह सुबह पर समय रिलीज कर दिया जाता है वो गाना अपने समय से पैंतालीस घंटा लगभग लेट हुआ लेट रिलीज हुआ था लेकिन इस गाने को रिलीज करने में कोई देरी नहीं हुई है गाना स समय रिलीज किया गया है अब बात कर लेते गाने के मेकर्स के बारे में यानी जिन लोगों ने मिलकर इस गाने को बनाया है तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाने के राइटर की गाने को लिखा है पवन के करीबी राइटर रोशन सिंह विश्वास ने जिनका लिखा हुआ एक गाना जिस गाने का नाम है जमकौला से हुई और ये गाना हर हर गंगे फिल्म का है इस गाने को कुछ देर पहले ही रिलीज किया गया है और ये गाना भी बहुत कमाल का गाना था और बाकी बात की जाए अगर पवन सिंह के आज ही आए दूसरे भक्ति गाने के बारे में तो इस गाने को म्यूजिक दिया है प्रियांशु सिंह ने और गाने में पवन सिंह के साथ मॉडल चांदनी सिंह नजर आई हैं अब बात की जाए गाने की तो आपको बता दें कि पवन का वेब कंपनी से आया हुआ भक्ति गाना कमाल का गाना है गाने का बोल शानदार है गाने के वीडियो में पवन सिंह नीचे बैठकर हारमोनियम बजाकर गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं और इस गाने को सुनने के बाद सारे लोगों का कहना है कि ये गाना इस साल का हिट गाना है और वाकई गाना उस लाइक है भी इस गाने के बोल को जिस तरह से लिखा गया है और गाने में जैसा म्यूजिक है पवन ने जिस तरह से इस गाने को गाया है वो सब कुछ मतलब कमाल का है इसलिए इस गाने की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा हालांकि जब आप इस गाने को सुनिएगा तो गाने को सुनने के बाद शुरू में सुनने के बाद शुरू का म्यूजिक सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप पवन के पुराने गाने को सुन रहे हैं जिसका नाम है माई डोली चढ़ चल अली लेकिन ऐसा नहीं है इस गाने का बोल और म्यूजिक उस गाने से बिल्कुल अलग है पर शुरू के म्यूजिक को सुनने के बाद आपको लगेगा कि उस गाने का म्यूजिक उठाया गया है बाकी ये गाना सबको पसंद आ रहा है इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि सोशल मीडिया पर रोशन सिंह विश्वास की खूब तारीफ हो रही है क्योंकि अपनी लेखनी से रोशन सिंह विश्वास ने पवन सिंह के फैंस का एक बार फिर से दिल जीत लिया है गाने का मुखड़ा अंतरा सब कुछ बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है प्रियांशु सिंह ने इस गाने को बड़े ही प्यारे म्यूजिक से सजाया है बाकी बात की जाए पवन के लुक की तो पवन इस गाने में लाल कुर्ते में नजर आ रहे हैं और उनके बगल में बैठी चांदनी सिंह पीले रंग की साड़ी में दिख रही है लेकिन पवन सिंह गाने में दाढ़ी वाले लुक में नजर आ रहे हैं और इससे पहले जो पवन का पहला भक्ति गाना आया उस गाने में पवन बिना दाढ़ी के नजर आए हैं इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये गाना पिछले साल का है जिसको इस साल रिलीज किया गया है वही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है गाना इसी साल का हो लेकिन इस इस गाने को तब शूट किया गया हो जब पवन सिंह दाढ़ी रखे होंगे क्योंकि पवन अपनी फिल्मों के अनुसार अपने किरदार के अनुसार अपना लुक बदलते रहते हैं बाकी मेरे हिसाब से पवन का दूसरा भक्ति गाना जबरदस्त है हिट गाना है कमाल का गाना है लेकिन आपको ये गाना कैसा लगा आप अपनी राय बताइएगा फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद